दोस्तों, मौत के खेल के टॉपिक पर बनी मूवीज आई थिंक इतना ही इनफ है उस मूवी को काफी रोमांचक बनाने में और आपको उस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड करने में। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी सर्वाइवल गेम मूवीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। इन 10 में से 8 मूवीज हिंदी में भी अवेलेबल है। सो बिना और देरी किए लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। नंबर 10 पर है द कंडेम्ड। यह एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी है जो आई थी साल 2007 में। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है एक अमीर टीवी प्रोड्यूसर को जो दुनिया भर के अलग अलग जेलों में 10 ऐसे कैदियों की तलाश में रहता है जिन्होंने बड़े से बड़ा क्राइम किया हो, और जब इसे ऐसे 10 खतरनाक कैदी मिल जाते हैं तो उन्हें पकड़ कर एक अनजान आइलैंड पर लेकर चला जाता है ताकि इनके बीच में अपना एक मौत का खेल शुरू कर सके और इस मौत के खेल को इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट करके ढेर सारे पैसे कमा सके। नंबर नाइन पर है द गेम। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो आई थी साल 1997 में। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो भले ही काफी अमीर हो, लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी लाइफ से बोर हो चुका है। बस रोज काम करो, काम करके घर आओ, इसकी लाइफ में कुछ भी रोमांचक नहीं है। एक दिन इसका भाई इससे मिलने के लिए आता है और इसे एक मिस्टीरियस गेम खेलने को कहता है जिसे खेलते ही इसकी बोरिंग लाइफ एक्साइटिंग होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो गेम इतना रियलिस्टिक होने लगता है कि गेम में और रियलिटी में क्या अंतर है ये समझ ही नहीं पाता है। अब उस गेम के पीछे आखिर कौन है और उसका असली मकसद क्या है इस आदमी के साथ, ये जानने के लिए आप इस मूवी में अंत तक बने रहेंगे और अंत में आपको एक चौंका देने वाला सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। नंबर एट पर है द हंट। यह एक हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी है जो आई थी साल 2020 में। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है कि जंगल में बेहोशी की हालत से उठ रहे कुछ लोगों को जिनके मुंह को किसी चीज से बांधा गया है और जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स रखा है जिसके अंदर बंदूक, चाकू और तलवार जैसे हथियार हैं। अब ये सब क्या चल रहा है, ये कौन सी जगह है और आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे, इस बारे में ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी इन पर अचानक से गोलियां चलने लगती हैं और जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि इन्हें यहाँ पर किसी का शिकार बनाकर लाया गया है। तो आखिर वो कौन है और क्यों इन लोगों का जानवरों की तरह शिकार करना चाहता है वो आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी के सभी किलिंग सीन्स काफी रियलिस्टिक और ब्रूटल तरीके से दिखाए गए हैं। नंबर सेवन पर है द हंगर गेम्स। यह एक एक्शन एडवेंचर साईफाई मूवी है जो आई थी साल 2012 में। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है कैसे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड को जिसके अंदर कुल 12 जिले हैं और इन सभी जिलों में से एक लड़का और एक लड़की को चुना जाता है ताकि इन्हें एक डेडली गेम में शामिल किया जा सके जिसका नाम है द हंगर गेम्स। इन सभी को एक जंगल में ले जाया जाता जहाँ इन्हें कुछ हथियार दिए जाते और इनका मिशन रहता है एक दूसरे से मारकाट करना तब तक जब तक इनमें से सिर्फ एक जिंदा नहीं बचता। अब इस मारो या मरो वाले गेम के अंदर आखिर में कौन और कैसे अकेला सर्वाइव करता है वो आप इस मूवी देखिए। इस मूवी के 3 और पार्ट्स बनाए जा चुके हैं। नंबर सिक्स पर है सौ। मूवी की कहानी में दिखाया गया है दो आदमियों को जो अपने आप को एक पुराने टूटे फूटे बाथरूम में जंजीर से बंधा हुआ पाते हैं और इनके बीच में एक डेड बॉडी भी पड़ी है। अब ये दोनों यहाँ पर कैसे पहुंचे इस बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं है। थोड़ी देर बाद इन्हें रियलाइज होता है कि इन्हें कुछ टास्क दिए गए हैं जिसे टास्क को पूरा करने के बाद ये दोनों इस रूम से बाहर निकल पाएंगे। तो अब आप मूवी में देखिए कि इनका वो टास्क क्या है और क्या अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल आखिर किसने और क्यों इन दोनों को यहाँ पर किडनैप करके लाया है। नंबर फाइव पर है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो आई थी साल 2016 में। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है बेल्को इंडस्ट्री नाम की कंपनी को जिसके अंदर टोटल 80 एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं और एक दिन अचानक से इसे पूरी बिल्डिंग को बाहर से पूरी तरह से सील कर दिया जाता और इस बिल्डिंग में काम कर रहे उन 80 एम्प्लॉयज को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो इन्हें बताती है कि कुछ देर बाद तुम सारे के सारे मारे जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिए हुए एक टास्क को पूरा करना होगा। इन सभी को क्या टास्क दिए जाते हैं वो बेहतर होगा कि आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी के किलिंग सीन्स भी द हंट मूवी की तरह ही काफी रियलिस्टिक और ब्रूटल तरीके से दिखाए गए हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर फोर पर है द पर्ज। ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी है जो आई थी साल 2013 में। दोस्तों, ये मूवी किसी मौत के खेल पर नहीं बल्कि एक मौत के त्योहार पर बनी है जिसके अंदर दिखाया गया है कि अमेरिका में हर साल एक ऐसा दिन आता है जिस दिन सरकार सारे इलीगल काम को लीगल कर देती है। अगर इस दिन कोई किसी को जान से मारता है या फिर उसके साथ गलत काम करता है तो उसे उस क्राइम के लिए कोई भी सजा नहीं मिलेगी, वो जो चाहे वो क्राइम कर सकता है। और इसी एक दिन एक फैमिली के घर पर मास्क पहने हुए कुछ सनकी लोग आ टपक पड़ते हैं जो इस फैमिली को जान से मारना चाहते हैं। तो अब देखने लायक है कि कैसे ये फैमिली अपने आप को इन सनकी
के लोगों से बचाएगी, क्योंकि इस दिन कानून इनकी कोई रक्षा नहीं करने वाला है, लोगों को अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। अब जैसे मुझे यकीन है कि इस मूवी का प्लॉट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। दोस्तों आपके इसे सिर्फ 3 क्लिक्स से मेरा काफी हौसला बढ़ेगा आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहने में, इसलिए आप इस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को अभी पूरा कर दें। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए आपसे इतना तो बनता ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 3 वाली मूवी पर। नंबर 3 पर मैंने साल 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर मूवी को रखा है, जिसका नाम है एस्केप रूम। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है 6 ऐसे लोगों को जो एस्केप रूम नाम के एक अनजान गेम में हिस्सा लेते हैं। इस गेम के विनर को $10,000 इनाम के तौर पर मिलेगा, लेकिन ये गेम के फर्स्ट लेवल से इन्हें रियलाइज होता है कि इस गेम में हिस्सा लेकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये गेम वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था। दरअसल एक डेडली गेम है जिसमें कई सारे डिफिकल्ट और डेंजरस लेवल है, जिसे अगर इन्होंने पार नहीं किया तो इनकी मौत पक्की है। नंबर टू पर है जुमानजी वेलकम टू द जंगल। यह एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जो आई थी साल 2017 में। इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है हाई स्कूल में पढ़ने वाले 4 दोस्तों को, जिनके हाथ एक ऐसा वीडियो गेम लगता है जिसे प्ले करते ही ये चारों एक एक करके उस गेम के अंदर जाने लगते हैं, और गेम के अंदर जाकर ये अपने आप को अपने चुने हुए प्लेयर की बॉडी में पाते हैं। और जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि इस गेम से बाहर निकलने के लिए इन सभी को अपने चुने हुए प्लेयर की बॉडी में रहकर इस गेम के मिशन को पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हमेशा के लिए इस गेम के अंदर ही फंसे रहेंगे। दोस्तों एक वन ऑफ द बेस्ट जंगल एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिसे मिस करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर वन पर मैंने साल 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी हॉरर मूवी को रखा है, जिसका नाम है रेडी और नॉट। दोस्तों मैं आपको इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन मूवी के प्लॉट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप इस मूवी के बारे में जितना कम जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। और आप इस मूवी के ट्रेलर से तो कोसों दूर रहना, क्योंकि इसके ट्रेलर में मूवी के काफी अच्छे अच्छे सरप्राइजिंग मोमेंट को स्पॉइल कर दिया गया है, जिन्हें अगर आपने ट्रेलर में ही देख लिया तो मूवी देखने में उतना आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए अगर आप पागलपन और ढेर सारे खून खराबे से भरी हॉरर कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी के बारे में बिना कुछ जाने इसे अभी इसी वक्त देखिए। ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों ये था मेरी आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।